ओम शांति। 23/8/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए। वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीज टीवी, इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की, और साथ साथ ऑडियो MP3 भी डाउनलोड कर सुन भी सकते हैं। ओम शांति।